आज बात लालू प्रसाद यादव के उस बयान की जिसने बीजेपी को बैठे बिठाए नया मुद्दा दे दिया है। 2019 हालांकि हिस्ट्री आगे भी गिनाई जाएगी, 2019 में चौकीदार और अब परिवार। साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले चौकीदार वाला बयान पॉपुलर हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चौकीदार वाला बयान दिया, बीजेपी ने इसे बड़े मुद्दे में तब्दील कर दिया। चुनाव में इसी बयान को बीजेपी ने एक तरह से अभियान में तब्दील कर दिया। अब चुनाव से ठीक पहले लालू यादव का बयान आया और यह बयान भी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जब जब विपक्ष ने ऐसा बयान दिया है तब तब बीजेपी ने इसे लगातार भुनाया है। चौकीदार के बाद परिवार, विपक्ष की गलती बार बार। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। बयान पर चढ़ता पारा, पीएम मोदी का गूंजा नारा, मेरा भारत मेरा परिवार, आपके लिए जी रहा हूँ, आपके लिए जूझ रहा हूँ और आपके लिए जूझता रहूंगा। कांग्रेस का हमला 24 का है मसला। ये पहले संघ परिवार था, मोदी परिवार है। देश को बताए रोजगार क्यों नहीं है, उसके लिए प्रोफाइल पे कुछ लिखे ये लोग। 2024 का दंगल, किसका होगा मंगल। मोदी जी का ये जो ध्येय वाक्य है, समूचा परिवार उनका है, पूरा भारत देश उनका परिवार है, ये उनके बहुत उदात्त विचार है। 19 में चौकीदार, 24 में मोदी परिवार। तो लालू प्रसाद यादव का बयान बीजेपी के लिए कितना ये फायदा करेगा, विपक्ष को ये कितना नुकसान करेगा, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन जरा एक सरसरी तौर पर कुछ सवाल जो लगातार खड़े हो रहे हैं वो आपको बता देते हैं कि किस तरह से ये कैंपेन में चीजें आएंगी। लालू ने राहुल जैसी गलती की है जो भारी पड़ेगी। हर बार जब भी बयान दिया गया प्रधानमंत्री के खिलाफ या नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो बयान उनके लिए बड़ा सपोर्टिव रहा। अगले सवाल की बात करेंगे कि चुनावी बयान फिर विपक्ष की लुटिया डुबोएगा। हर चुनाव से पहले इस तरह का बयान आया है, विपक्ष को भारी नुकसान हुआ है। एक और सवाल कि चुनावी दौर में इस तरह की गलती क्यों बार बार होती है, क्यों एक सवाल दे दिया जाता है, एक बयान के जरिए क्यों एक बयान के जरिए क्यों इस तरह से मौका दे दिया जाता है। बहुत खास पैनल हमारे साथ जुड़ी हुई है, उससे आपका तारुफ करवा देते हैं, फिर चर्चाओं का सिलसिला शुरू होगा। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत। आनंद जाट कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, ऊर्जावान प्रवक्ता, बहुत स्वागत। दिनेश निगम त्यागी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बारीक लकीरों पर भी इनसे बात करेंगे, आपका भी बहुत स्वागत। तारिक खान सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले आनंद जाट साहब, बड़ा छोटा सा सवाल, हिंदू परिवार ये दो शब्द थे लालू प्रसाद के बयान में, क्या कांग्रेस इनसे इत्तफाक रख रही है? देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि जब माता या पिता की अंत्येष्टि होती है तो उसमें बाल देने का एक धार्मिक जो है वो रिचुअल होता है, धार्मिक परंपरा है, क्यों मोदी जी ने नहीं दिए वो बाल? और जब अभी अयोध्या में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था उसमें भी वो पत्नी के साथ क्यों नहीं गए, जबकि वो गृहस्थ हैं, वैवाहिक हैं, या आप बता दीजिए उनका कोई और स्टेटस हो। और ये प्रश्न जो है ये मेरे प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न जो है देश के शंकराचार्यों ने भी उठाए हैं। और ये प्रश्न शंकराचार्य अगर धर्म की व्याख्या नहीं करेंगे तो भारत में कौन करेगा? जो सत्ता में है वो व्याख्या करेगा या जो हम विपक्ष में बैठे हैं वो करेंगे, या ललित जी आप मीडिया में बैठे हैं आप व्याख्या करेंगे? और इतने वर्षों से परिवार कहाँ गया था? मैं पूछना चाहता हूं कि जब कोविड में 47 लाख लोग अकाल मौत से मारे गए WHO के अनुसार, क्या वो मोदी जी का परिवार नहीं था? भी आएंगे। क्या पुलवामा में जो आतंकवादी हमले में हमारे जवान शहीद हुए, क्या वो परिवार नहीं था? व्याख्या उससे मुझे दूर रखिए। बहुत छोटा सा सवाल, क्या कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के इस बयान से इत्तफाक रखती है? ठीक, दुर्गेश केसवानी, इसमें कांग्रेस का क्या संबंध है? मेरा प्रश्न आपसे सीधा है, दुर्गेश, आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे ये बताइए कि ये सनातन मान्यताओं के विपरीत है उनका आचरण या सनातन मान्यताओं के पक्ष में है? ठीक,
दुर्गेश केसवानी साहब, जाट साहब के जो सवाल उठाए गए, एक उनका जवाब एक बात, दूसरी बात कि बयान तो लालू प्रसाद ने दिया है, हमलावर आप कांग्रेस पर हो रहे हैं। केसवानी साहब देखिए ललित जी, ये जो इंडी गठबंधन है, इंडिया जिसने नाम अपना दिया है घमंडिया गठबंधन वाले बात है, ये निश्चित ही जो गठबंधन है वो सात परिवारों का गठबंधन है। ठीक, लालू यादव चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की फ्यूचर वो करें, सेव करें। सोनिया गांधी से चाहती हैं कि राहुल गांधी जी का फ्यूचर सेव करें। ममता जी चाहती हैं कि अपने भतीजे का फ्यूचर सेव करें। और जो अन्य दल हैं, स्टालिन वगैरह जो भी हैं, समाजवादी पार्टी है, ये सब चाहते हैं कि अपने अपने बच्चों का फ्यूचर सेट करें। और देश में सिर्फ मोदी जी ही ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश का फ्यूचर सेट करना चाहते हैं। ये आस्थाओं की बात, रिचुअल्स की बात कर रहे हैं ये लोग। ये इनकी आस्थाएं तब कब डुबकियां लगाने लग जाती है जब ये राम मंदिर का विरोध करने के लिए कपिल सिंबल जैसे वकील को खड़ा करने का जवाब दीजिए ना दुर्गेश भाई जी। समय 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 जब और है केसवानी साहब के जब भी बात आती है, जब से गठबंधन बना, आप हमलावर हैं कि इनका तो जोड़ ही नहीं हो सकता, ये तो कहीं गठबंधन ही नहीं है। अब जब कोई बयान उससे गठबंधन से जुड़ा नेता बयान दे रहा है तो आप कह रहे हैं कि ये बड़ा हमलावर है। आप तो मान ही नहीं रहे थे कि ना ये गठबंधन कहीं है। केसवानी साहब देखिए, ये कभी स्टालिन आते हैं वो बोलते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, और ये इन्हीं के गठबंधन है। और जब गठबंधन होता है ना ललित जी, तो वो निश्चित रूप से वो सब पे ही सब एक कॉमन उनकी वो बनती है मोरालिटी कि उस चीज को जो बयान दे रहे हैं, देश की जनता किस तरह से ले रही है। आज मोदी जी के परिवार की बात करिए, हर आदमी अपने आप को परिवार का बनाना चाहता है। 140 करोड़ लोग, देश की जनता चाहती है कि हाँ हम मोदी के परिवार हैं, हम मोदी जी के परिवार के हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और मोदी जी के परिवार होने की आपत्ति इसलिए भी नहीं है कि देश में उन्होंने जो 65 साल में ये लोग नहीं कर पाए वो 10 साल में करने का काम मोदी जी ने किया। ठीक ठीक, ये कभी आपके पास और भी पॉलिटिकल गैस जुड़े हुए, प्लीज। तारिक खान साहब सपा से हमारे साथ जुड़े हुए, तारिक खान साहब बड़ा बयान, आप भी इसके आप मानते हैं कि इंडी गठबंधन इस बयान के साथ है हिंदू और परिवार। तारिक खान साहब, क्या प्रधानमंत्री से सवाल ऐसे नहीं किए जा सकते? क्या प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह को 2012 में मनमोहन सिंह नहीं कहा था? तो प्रधानमंत्री तो खुद ही लोगों को जादूगर कह दिया, राजस्थान के सीएम को, वो जादूगर थे। दीदी ओ दीदी ये किसको कहा था? ममता दीदी को। नहीं, गहलोत साहब जादूगर परिवार से तो ताल्लुक रखते हैं ना, और राजनीतिक गलियारे में उन्हें जादूगर तो कहा जाता है। सपा खान साहब, नहीं तो कहे ना, तो कहे, उनको कहे, जैसे प्रधानमंत्री क्या स्पेशल है, क्या कुछ एडवांटेज है प्रधानमंत्री के साथ? हम लोग नहीं कह सकते क्या? हम लोग नहीं कह सकते, और अगर हम लोग कह सकते हैं तो लालू जी भी कह सकते हैं। अब आप सबसे बड़े सनातनी है, आप अपने क्लेम के हिसाब से आप विश्व के सबसे बड़े सनातनी है, और विश्व ये आप सर्टिफिकेट लोगे क्या तारिक भाई? ये आप सर्टिफिकेट देने वाले नहीं हो सनातन को लेकर, सनातन को लेकर आप सर्टिफिकेट नहीं दे पाओगे। ये सर्टिफिकेट देने का, ये सर्टिफिकेट देने का काम मत करो आप। आप हमें सर्टिफिकेट देने का काम मत करो। ये सत्ता में है ये बोलने में, मुंह पे उंगली रख के बैठूंगा नर्सरी क्लास के बच्चे की तरह, मेरा ये तरीका डिबेट करने का। ये बात सही है, सुन रहे हैं आपको बहुत देर से। केसवानी साहब बहुत शॉर्ट में, तारिक खान साहब प्लीज। नहीं शॉर्ट में कहा, टाइम तो उनको दे दिया आपने बीजेपी जी, बोलिए प्लीज। मैं मुंह पे उंगली रख के बैठ जाता हूं, मुझे मत बुलवाइए ना। बुलाते क्यों है उनको? बीच में बोला, वो बोले आपने उनको रोका। तारिक खान साहब प्लीज, मेरे टाइम उन्होंने खा लिया खाने की तरह। मैंने उन्हें रोका है, मैंने उन्हें रोका है। आप इस पर जाया करेंगे या तर्क रखेंगे प्लीज? आपने दुनिया में कहा कि हम विश्व गुरु हैं और हमारे ऊपर टेंडर है सनातन का, हम सबसे बड़े नेता है सनातन के और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आप रिचुअल्स को जानिए और उसको फॉलो करिए। अगर ये सवाल देश के लोग, जनता किसी नेता के माध्यम से पूछती है तो गुनाह हो गया। ये गुनाह हो गया। कैसे गुनाह हुआ? अगर गुनाह है तो कर लीजिए जो करना हो आप, और क्या कहा जा सकता है इस पे? अगर सवाल पूछना गुनाह है तो गुंगी गुड़िया इंदिरा गांधी को कह दिया था लोहिया जी ने, वो भी गुनाह था। तब लोहिया जी जेल चले जाने चाहिए और बची हुई जिंदगी लोहिया जी को जेल में काटनी चाहिए। ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछा ही नहीं जा सकता? दुनिया के
जितने हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री हुए अटल जी ने तमाम इंदिरा गांधी पे आरोप लगाए कि वो 5 मिनट वाली बात की, 5 मिनट में तो आप अपना बाल भी नहीं ठीक कर पाएंगी, झगड़ा हो गया तमाम किस्म का। ठीक, तब देश प्रधानमंत्री से तमाम किस्म के सवाल पूछे। चलिए, बहुत वरिष्ठ लोग भी हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी जाना होगा। खान साहब प्लीज, दिनेश निगम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश सर, बयानों की बॉल और उस पर सीधे ग्राउंड से बाहर कर देना, बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त है, पुराने सारे बयान देख लिए जाए तो। अब हिंदू और परिवार, ये बयान आया दिनेश सर। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। पहले तो जैसा माहौल देश के अंदर है, जैसी बढ़त लिए भाजपा दिखती है, तो इंडिया गठबंधन को या इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए और अपनी बात कहनी चाहिए। परिवार कोई मुद्दा नहीं हो सकता चुनाव का, चुनाव के बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर हमला करिए, जो जो विकास के मुद्दे हैं उन पर हमला करिए, बेरोजगारी पर करिए, महंगाई पर करिए, और तमाम मुद्दे हैं जिनको लेके आप सवाल उठा सकते हैं, मुद्दे उठा सकते हैं। भाजपा इस मामले में माहिर है, ये हर किसी को मालूम है कि आप एक कोई उंगली उठाइए, उंगली पकड़ाइए तो पूरा हाथ पकड़ लेती है। आपने एक सवाल उठाया मोदी जी के परिवार को लेके, मोदी जी ने मोदी जी आज से नहीं कह रहे, पहले से कहते आ रहे हैं, पूरे 1,40,00,000 जितने 140 करोड़ लोग हैं देश के अंदर, वो सब मेरे परिवार के लोग हैं, मैं उनके परिवार का आदमी हूं, और परिवारों साथ नहीं रखते हैं। ठीक है, तर्क के लिहाज से आप अपनी बात सिद्ध करने की कोशिश कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है। जैसे आपके कांग्रेस के नेता थे एक समय, उन्होंने चाय वाला बोल दिया था, चाय वाला भी कोई मुद्दा नहीं था लेकिन वो मुद्दा बन गया, चौकीदार मुद्दा बन गया, अब परिवार मुद्दा बन गया। वैसे भी धर्म और विकास की राजनीति को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है, ये जो विपक्षी गठबंधन एक नहीं हो पा रहा है, ऐसे में इनको मुद्दों के आधार पर लड़ाई लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे मुद्दे उठाना ही नहीं चाहिए, और वो परिवारवाद और ये परिवार, ये चुनाव के मुद्दे हैं भी नहीं, चाहे भाजपा उठाए चाहे दूसरे दल। जी, चाहे भाजपा उठाए चाहे दूसरे दल। आनंद जाट साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर सौरभ जी के पास मुझे जाना होगा, प्लीज। मैं दिनेश सर की बात से बहुत असहमत हूं, और असहमति के बाद ये कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन ने जो है दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में, आपका बिहार में, हर जगह जो है गठबंधन सीट शेयरिंग तक सामने आ चुकी है, और ये कह रहे हैं कि गठबंधन हुआ नहीं है। किस तरह की बात आप कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि राजनीति ठसक से दम से होती है। मैंने जो प्रश्न पूछे हैं वो सनातन धर्म की मान्यताओं के संबंध में पूछे हैं, ना भाजपा के प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं, ना कोई और दे रहा है। और परिवारवाद की बात है, बांसुरी स्वराज की माता जी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जीवन भर परिवारवाद के खिलाफ भाषण देती रही, आज बांसुरी स्वराज को टिकट मिलने के बाद शायद स्वर्ग से उनकी आत्मा संतुष्ट होगी कि परिवारवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई मुकम्मल हो गई। ये कैसे परिवारवाद की बात करते हैं, विजय राजे सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वसुंधरा राजे जी, यशोधरा राजे जी, ये कौन है? ये सब परिवारवाद है और सब भाजपा में है। जी, माधवराव सिंधिया भूल गए आप, वो भाजपा में नहीं थे, मैंने जिनका नाम लिया वो आज है, दुष्यंत सिंह जी का नाम छोड़ दिया था, उनको भी लिख लीजिए। ठीक ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। सौरभ दुबे बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सौरभ जी, एक और बयान, और जिस तरह से अभियान में से तब्दील किया बीजेपी ने, जी प्लीज सौरभ जी आपका रिएक्शन। जी ललित जी नमस्कार, आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज मिल पा रही है, प्लीज। देखिए, जो तर्कों की कंगाली जब होती है तो वही लोग कुतर्कों के मवाली बन जाते हैं। जिस प्रकार से अब अभी चुनाव नजदीक आ गए हैं और जब रैलियों में जाएंगे तो जो नए भारत की बात कर रहे हैं, तो क्या इस प्रकार के भाषणों में जो है, जब हम किसी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, या प्रधानमंत्री जो है वो भी किसी लोग के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, तो वो कितना जायज है ये पैनल में बैठे लोग तय कर ले, पहली बात। दूसरी बात, देखिए आप बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर आपको चुनाव लड़ना है, जनता को कन्विंस करना है, वो मुद्दे रैलियों से अगर आप उठाएंगे तो जनता कन्विंस होगी निश्चित रूप से। व्यक्तिगत रूप से अगर किसी के ऊपर प्रहार करेंगे, अगर मान लीजिए आज आप प्रधानमंत्री के परिवार के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं, कल को उठ करके कोई बोल दे कि लालू प्रसाद यादव जी के जो बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हैं, उन्होंने शादी के तुरंत बाद क्या मामला पड़ा था, परिवार में जो घर में शोषण का मामला है उनकी पत्नी ने उठाया था और वह मामला हाई कोर्ट में गया था और उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दिया, ये भी एक मामला है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जो है, उन्होंने भी दो शादियां कर रखी थी,
वो अभी एक मामला है। भाई मोदी जी का तो बैकग्राउंड सब जानते हैं कि मोदी जी बचपन से संघर्ष के साथी रहे, संघर्ष किया है उन्होंने, तपस्या की है, कई धामों में गए हैं, संघ के प्रचारक रहे। लेकिन कांग्रेस को अभी बहुत बुरा लग जाएगा, मैं कहना नहीं चाहता, मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उनके बारे में जो जो बातें कही जाती थी विदेशों के अंदर रह करके, वो मैं नहीं कहना चाहता चैनल पे, क्योंकि मैं चाहता हूं सौरभ जी, नहीं नहीं, बीजेपी की तरफ से भी जो कुछ कहा गया, बिल्कुल जी जी, मैं आपको इसलिए टोक रहा हूं सौरभ जी, बात आपने सही, बहुत अच्छी बात याद दिलाई, बीजेपी की तरफ से भी सोनिया गांधी को लेकर बहुत कुछ कहा गया जो इस मंच की गरिमा है कि मैं बोलकर नहीं बता सकता। खैर, आएंगे आपके पास। तारिक खान साहब, आप मुस्कुरा रहे थे, प्लीज आपका रिएक्शन। मैं मेरी बात एक समझिए, यहाँ पर दो बातें आई कि परिवारवाद कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, अपने 15 भाषणों में प्रधानमंत्री 50 बार परिवार अच्छा, हिंदुस्तान में कितने प्रधानमंत्री हुए, एक प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए मुझको जिसने कहा हो कि मेरा देश पूरा मेरा परिवार नहीं है। कौन सी रॉकेट साइंस हो गई भाई, कौन सी रॉकेट साइंस हो गई, कोई मंत्री प्रधानमंत्री नहीं इस देश पर, धैर्य रखो ना सौरभ दुबे, धैर्य रखो, सुनने का साहस रखो सौरभ दुबे। सौरभ जी प्लीज, जाट साहब प्लीज, फिर तारिक खान ऐसा कर लेंगे, देखिए फिर ठीक, प्लीज तारिक खान कब कहा भाई, कब कहा है वो टाइम बताइए ना। ठीक, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देश और प्रदेश की जनता को अपना भाई कहते हैं, मगर समझिए 4.5 करोड़ किसान मर गए और परिवार के मुखिया ने एक आंसू नहीं बहाया, कहा नहीं कि मुझे अफसोस है, एक ट्वीट कर दिए भैया, आंसुओं के रोया नहीं और 700 लोग परिवार के मर गए। ये कैसा परिवार है, ये कैसा परिवार है, इस परिवार को देखकर मेरे दुख से आंसू निकलने लग रहे हैं भाई, ये कैसा परिवार है। चलिए चलिए सौरभ दुबे, सौरभ दुबे साहब प्लीज, मैं रोक रहा हूँ तारिक खान साहब, मैं रोक रहा हूँ सौरभ दुबे जी प्लीज। देखिए परिवार, परिवार की जो बात कही जा रही है मैं निश्चित रूप से सहमत हूँ, कांग्रेस के जो प्रवक्ता बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन परिवार की बात तब कही जा रही है कि जब एक ही पार्टी का अध्यक्ष आपकी पार्टी में लगातार बना रहे, जिस प्रकार से गांधी परिवार नहीं कह सकते आप परिवारवाद की परिभाषाएं अपने स्तर पर नहीं कर सकते, आप करो तो चमत्कार, दूसरे करे तो कुछ और, आपके लिए दूसरे खेल के नियम नहीं होंगे और कांग्रेस के लिए दूसरे खेल के नियम नहीं होंगे, और आप जिस तरह से भाजपा की तरफ से राजनीतिक विश्लेषक, अरे आप चिल्लाने का काम क्यों कर रहे हैं, पता है कि बहुत ज्यादा दमदारी कहां से आ गई आपने, ये बातें ऐसी बातें करने का काम मत करो आप, जिस प्रकार से आप चिल्ला चोट करके पूरा पूरा डिबेट खराब करने का, आनंद जाट साहब सुनिए, ये जबरदस्त सुन लीजिए, मैं आपके पास ही आना चाह रहा था, आनंद जाट साहब प्लीज, सौरभ जी मेरी बात सुनिए ना, आप ये नियम नहीं बता सकते कि हम नियम अलग से खेलेंगे, आपके नियम अलग होंगे, परिवारवाद की परिभाषा हो ललित जी, लालू यादव को हमने जाके बोला था कि आप परिवारवाद की बात करो ऐसे, आनंद जी अरे हमारा परिवार पूरा भारत हमारा परिवार है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, केसवानी साहब, सनातन जाट साहब मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, सौरभ जी प्लीज मैं आऊंगा आपके पास, सौरभ जी मैं आऊंगा, केसवानी साहब मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ, जिससे ब्याह किया उसको छोड़ देना, किस पुस्तक जाट साहब आप सवालों के सिलसिले को आगे मर्यादाओं में रह के बात करो आनंद भैया, केसवानी साहब की तरफ थूकोगे थूक अपनी तरफ ही गिरेगी, केसवानी साहब लंबा चौड़ा आपका विकास कार्य है, आप जैसा कहते हैं केवल इतना बताइए, लंबे चौड़े विकास कार्य को छोड़कर किसानों की हत्या का जिन पर आरोप है जाट साहब, अरे खोला मैं कितने गोलियां किसने चलाई थी मुल्ताई में किसानों पर, ये बता दो, वो ये बता दो परमात्री महाराज को किसने गोलियां चलाई थी, ये बातें मत करो आप, इन बातों का कोई वो नहीं है, आप राहुल गांधी की पार्टी के नेता हो, मुंह की जमा खर्ची पूरी करोगे, पूरी मुंह की जमा खर्ची करोगे उसी परिवार के, उसी परिवार के इर्द गिर्द रहने का काम करोगे, या कौन है परिवार के, या जो परिवारवाद की लड़ाई जो आप कर रहे थे कांग्रेस के नेता करते हैं, हमारे लिए हमारा देश हमारा परिवार है, अन्य मोदी जो है आपका झूठा परिवारवाद था, और उस परिवारवाद की असली कलम खुल गई है, उसकी असली कलम खुल गई है जब आपने एक मंत्री की पत्नी को मध्य प्रदेश कर दिया है सांसद का, पर्याप्त ऊर्जा आप दोनों खर्च कर चुके हैं, नेता की चुनाव में अभी टाइम है, आपने आनंद जाट साहब उसके लिए ऊर्जा आप बचाएं, मेरा निवेदन है आपसे, लगातार जो दिनेश निगम त्यागी साहब है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिनेश जी एक बात और है, आपने बहुत अच्छी बात कही थी, ये मुद्दा इस तरह के मुद्दों, सौरभ जी आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं
दिनेश जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि इस तरह के तो मुद्दे होते ही नहीं। सवाल यह भी कि जब बीजेपी कहती है कि हमने घोर रफ्तार से विकास किया है, मतलब इतना विकास के लगभग विश्वगुरु के आउटर पे, बावजूद उसके इस तरह के बयानों का अभियान चलाना पड़ता है दिनेश जी, या शायद जज्बात ही अब मसला है? दिनेश जी प्लीज। जी जी बिल्कुल। पहले तो मैं, जाट जी ने बीच में मेरे मेरी बात पे कुछ आपत्ति की थी, अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, तो मैंने इंडिया गठबंधन की बात की थी, तो इसलिए की थी कि बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाँ, कुछ प्रदेशों में आपको समझौता हो गया, लेकिन आपसे लोकदल अलग हो गया, नीतीश कुमार जी पहले अलग हो गए, ममता बनर्जी से आपका समझौता नहीं हो रहा, वायनाड में जो आपके सहयोगी हैं उन्होंने कैंडिडेट उतार दिया पहले से बिना समझौता के, तो मेरा कहने का मतलब नहीं था कि गठबंधन आपका बिल्कुल टूटा हुआ है। आप पहले शांत रहिए, मैं बोल लूं तब बोलिएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि इंडिया गठबंधन का समझौता कहीं नहीं है, मैंने एक बात कही थी, उतना पूरी तरह सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिनके आधार पर चुनाव लड़ाना जाना है, उनको उठाना चाहिए। जहां तक परिवार और परिवार वाली बात भी मैंने कही थी, तो मैंने दोनों के लिए कहा था कि अगर लालू यादव परिवार का मुद्दा उठाते हैं तो वो चुनाव का मुद्दा नहीं है, मोदी जी या भाजपा अगर परिवारवाद का मुद्दा उठाती है तो वो भी मुद्दा नहीं है, क्योंकि परिवारवाद को लेकर जो पार्टियां चल रही हैं, जो आरोप लग रहे हैं, उनको देश के लाखों करोड़ों वोट दे रहे हैं, इस कारण ये दोनों मुद्दे नहीं है। मुद्दे देश का विकास है, देश की समस्याएं हैं, और जो बहुत सारे मुद्दे हैं वो हैं, उनको लेके मैदान में जाना चाहिए, उनकी बातें करना चाहिए, उन पर बहस होना चाहिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। जहां तक विकास की बात है, निश्चित तौर पर जो कि सत्ता में लगातार भाजपा है, प्रदेशों में है, देश में है, उनने काम किए हैं, उन्होंने काम ठीक किए नहीं किए हैं, वो अपने प्रचार कर रहे हैं कि हमने ये किया इसलिए हमें वोट दो, हम जीतेंगे, और उन्होंने जो कुछ नहीं किया आप उठाइए, उसको लेके आप मैदान में जा सकते हैं, उसका लाभ आपको मिलेगा। मेरा कहीं किसी एक पक्ष को टारगेट करने का कोई उद्देश्य नहीं था। ठीक ठीक ठीक। सौरभ दुबे साहब, कुछ तकनीकी दिक्कत थी, आपकी आवाज भी कट रही थी, प्लीज सौरभ दुबे जी। हेलो, हाँ सौरभ जी बोलिए, सुन रहे हैं आपको। लेकिन मैं एक बात कह रहा था कि जब आप परिवारवाद की बात करते हैं तो सदन में अभी प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि परिवार का मतलब ये नहीं कि अगर किसी परिवार में कोई आपका जो है पुत्र जो है वो काबिल है राजनीति के तो उसको राजनीति से दूर रखा जाए, ये उन्होंने सदन में स्पष्ट कर दिया था। तो अगर लालू यादव जी का परिवार जो है राजनीति में है, अगर जो है अखिलेश मुलायम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का परिवार राजनीति में है, अगर गांधी परिवार राजनीति में, उससे समस्या नहीं है। समस्या इस बात से है कि आप ही के लोग जो है वो पार्टी के अध्यक्ष का पद जो होता है उस पर हमेशा जो है काबिज रहते हैं, ये गलत है। पार्टी के अन्य कार्यकर्ता आखिर वहां पर क्यों नहीं आते हैं? भाजपा में आप बता दीजिए कोई ऐसा नेता जिसके पिता भी अध्यक्ष रहे और पुत्र भी अध्यक्ष रहा हो, आप बता दीजिए तो मैं विपक्ष की सारी बातों को सत्य मान लूंगा। देखिए यही अंतर है जो भाजपा है और अन्य पार्टियां हैं। भाजपा जो है एक संगठनात्मक पार्टी है जहां पर बड़ा संगठन है, किसी जाति वर्ग का कभी बनाया जा सकता है, कमी तो उठा करके बनाया जा सकता है, लेकिन परंतु कांग्रेस समाजवादी आरजेडी इनके अंदर एक ही परिवार के वो हमेशा से राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं। अभी अखिलेश भैया सपा में, आरजेडी में आप देख लीजिए तेजस्वी यादव जी है, और आप इसके अंदर कांग्रेस के अंदर अब जाकर के सारी मिसालें आपने गिना दी। जाट साहब आपके पास मैं आ रहा हूँ, इसके बाद रिएक्शन तारिक खान साहब का भी लेंगे। जाट साहब पहले आप प्लीज। बस बहुत 30 सेकंड लूंगा आपके जी। जब एक कांग्रेस पार्टी में एक दलित का बेटा 9000 डेलीगेट्स के माध्यम से पूरे देश से चुनकर आता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, तो वो किसी को पछता नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से। और हमारे अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी रबर स्टैंप नहीं है जिन्हें कोई भी हाथ पकड़कर साइड कर दे, ये हमने सबने देखा। और उस बीच में मत बोलिए, मुस्कुराने दीजिए प्लीज, बोलिए आप अपनी बात करें, बीच में मत बोलिए। सौरभ दुबे जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। रबर स्टैंप है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप सही कह रहे हैं। रबर स्टैंप जो है झूठ का अड्डा, बीजेपी का नड्डा है, समझिए इस बात को। और गांधी, अरे आप अपनी बात तो करिए, विश्लेषक नहीं है, आप भाजपा के प्रवक्ता है, राजनीति के सबसे बड़े दलीय नेता है नड्डा जी, और आपको गाली खिलवा रहे हैं, खुद ही बता रहा हूँ, सुनिए आगे, खुद ही रबर स्टैंप बताने का काम कर रहे हो, आगे सुनिए। और तो देख रहे हो उनके नेतृत्व में क्या हाल हुआ है कांग्रेस के, और नड्डा जी के नेतृत्व में क्या हाल हुआ है,
चुने हुए अध्यक्ष को ये परिवारवादी बताते हैं, दिखाता है कि इनकी दलीलें कितनी खोखली हैं। ये वो दिखाता है कि इनकी केसवानी जी का रिएक्शन प्लीज बहुत शॉर्ट में। केसवानी सर, जाट साहब सुन लीजिए। मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता है, इसी तरह मुंह का जमा खर्ची करेंगे। ये कहां किस चीज को लेके जा रहे हैं? अरे परिवारवाद को आपको लालू जी को किसने बोला था कि ये यार बातें करने के लिए मोदी जी के लिए कि परिवार नहीं है? अरे हम तो पूरा देश उनका परिवार है। आपको रोकना चाह रहा हूँ, सबको रोकना चाह रहा हूँ। हालांकि तारिक खान साहब के पास में नहीं जा पाया, दिनेश सर आपके पास में दोबारा नहीं आ पाया, छोटी सी माफी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चाएं दरअसल आज जो चर्चा थी वो शोर में ज्यादा तब्दील रही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश यही थी कि इसके जरिए सवालों पर थोड़ी चर्चा हो जाए, थोड़े मुद्दों पर चर्चा हो जाए, ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन बहुत अच्छी हमारी पैनल रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और साथ ही साथ दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।